मेरा नाम धर्मेश खरे है भाई। प्रोफेशन में गवर्नमेंट जॉब में हूँ और आज मैं आपके बीच में आया हूँ कैंगन, एक ऐसे एनर्जिक वाटर, एक ऐसे मिरेकल वाटर के बारे में जानकारी शेयर करने के लिए, जिसके बारे में शायद ही आपने सुना हो या बहुत ही कम सुना होगा इसके बारे में। तो हम बात कर रहे हैं जापान की एक कंपनी है, एनर्जिक कंपनी, जो औषधीय पानी को कन्वर्ट करती है औषधीय पानी के रूप में। एक एक पीने का जो हमारा पानी होता है, डेली यूज़ का हमारा पानी होता है, इसको औषधीय पानी में कन्वर्ट करती है ये मशीन। और ये 46 ईयर पुरानी कंपनी है, जापान से है। इसके अलावा कंपनी का जो मेन मोटो है हमारा, चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। हम चाहते हैं कि जो भी आप पानी पी रहे हैं उसके उसको अपन डिस्क्राइब करें, उसके बारे में जानकारी लें, क्योंकि हमारी पानी के बारे में जानकारी बहुत अधूरी है। और मैक्सिमम हम लोग सोचते हैं कि पानी बस साफ है, वो पानी हम पीते हैं। पानी के बारे में आरओ जब इंडिया में आया था तो हमें थोड़ा बहुत ये पता पड़ने लगा कि इसका पीएच लेवल क्या होना चाहिए और टीडीएस लेवल क्या होना चाहिए। इसके अलावा हम पानी के बारे में और कोई बड़ी जानकारी नहीं रखते, जबकि हमारे आयुर्वेद में, हमारे भारत में शास्त्रों में कहा गया है कि जल ही जीवन है। तो इस जल के बारे में हमको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होना चाहिए, और वह जानकारी एक स्वस्थ जल और एक सिर्फ एक जल और एक स्वस्थ जल में क्या अंतर है, और ये मशीन किस तरह से उसको उस पर काम करती है, इसके बारे में मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कैंगन वाटर का शुरुआत हुआ था 46 ईयर पहले जापान से, और इसका इन्वेंशन का जो मेन कारण था कि जापान में रेडिएशन हुआ था बहुत ज़्यादा, परमाणु बम हमले होने के बाद में, आपको मालूम है द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु हमले हुए और वहाँ से इसका रेडिएशन बेस्ड जो प्रॉब्लम्स आने लगी जापान को, बहुत फेस करना पड़ी लंबे समय तक, और उनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो प्रॉब्लम्स हो रही थी बीमारियों के रूप में, और उनकी पीढ़ी मतलब बच्चे जो आ रहे थे, जनरेशन जो आ रही थी वो विकलांग पैदा हो रही थी। तो उसके बारे में रिसर्च करते करते उन्होंने, जब फूड और मेडिसिन के द्वारा जब वो कंट्रोल में नहीं आई, तब उन्होंने इसके ऊपर ध्यान दिया कि हमारा 70% भाग शरीर का पानी से बना हुआ है, और हमारी धरती पे भी पानी का ही 70% भाग होता है। तो क्यों ना पानी के ऊपर रिसर्च करें और हम इस चीज़ को सुधारें जिससे हमारे ये रेडिएशन बेस्ड चीज़ों से हम उभर पाएँ। तो हम बात कर रहे हैं कि इस समय पूरे वर्ल्ड में बहुत कम ऐसे सोर्सेस बचे हुए हैं, जो 50 से ज़्यादा या 50 के आसपास ऐसे सोर्सेज बचे हुए जहाँ पे हमको औषधि युक्त पानी मिलता है, और बाकी जो पानी हमारा पीने का पानी है वो हमारे डेवलपमेंट के साथ साथ, विकास के साथ साथ, हमारे कंट्री हमारे वर्ल्ड के विकास के साथ साथ वो डैमेज हो गया है। तो हमारे पानी में वो औषधीय गुण नहीं है जो आज से 1000 साल पहले पाए जाते थे, और नदियों का भी स्तर खराब हुआ है, पानी का स्तर खराब हुआ है। आज की डेट में हमारे जितने सोर्सेज हैं पानी के, तो हमारे औद्योगिकीकरण के कारण, कृषि के कारण, उसमें जो पेस्टिसाइड और केमिकल इस्तेमाल होते हैं उससे वो डैमेज हो चुके हैं, और एक तरह से हम जो पानी पी रहे हैं इस समय वो डेड वाटर है, निर्गुण वाटर है। उसकी जीवित जल की जो परिभाषा होती थी, जल ही जीवन जो बोला जाता था, वो आज की डेट में हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो ये जो पॉइंट्स हैं हमारे पास में, हम बात करें कि जैसे गौमुख का पानी है, या नदियों के उद्गम का पानी है, या फिर आपके आबे जमजम का पानी है, मक्का मदीना का पानी है, लॉर्ड्स की झील का पानी है, और ऐसे कुछ नदियों के उद्गम स्थल है जहाँ पे हमको औषधि युक्त पानी मिलता है, जो हम जब भी हम वहाँ कभी घूमने जाते हैं तो हम वो जल को भर के लेके आते हैं, पर वो हमारे पास एक लिमिटेड समय तक रहता है, और उसकी जो औषधि गुण है वो बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं, तो हमको वो लाभ नहीं मिल पाते हैं जो वहीं पे उस पानी को पीने से हमें मिलते हैं। अब ये कारण के कारण जापान ने भी उसके ऊपर रिसर्च शुरुआत करी। आज से 46 साल पहले उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी कि इस पानी को हम अपने हर व्यक्ति के घर तक कैसे पहुंचा पाएं। तो जब उन्होंने शुरुआत करी तो वो डिवाइस जो डिजाइन हुई है 1974 में, वो डिवाइस बड़ी थी साइज़ के अंदर, और जापान के पूरे हॉस्पिटल्स में सबसे पहले वो प्रोवाइड की गई, और वहाँ से 20 साल के ऊपर लगातार रिसर्च करने के बाद में 94 में उस डिवाइस को मार्केट में लाने के लिए उन्होंने प्रयास किए, और 2003 में फिर ये यूएस गया था ये प्रोडक्ट, और वहाँ पे 6000 जो डॉक्टर्स का पैनल होता है, वर्ल्ड वाइड डॉक्टर्स का पैनल होता है, उन डॉक्टर्स के माध्यम से ये डिवाइस को ऊपर काम किया गया, और इसके टेस्टिमोनियल उन्होंने अपने हिसाब से लिए, और इस डिवाइस को मेडिकल सर्टिफिकेट ग्रेड का मेडिकल सर्टिफिकेट मिला, आईएसओ मिला, और ये यहाँ पे अपन देख सकते हैं आईएसओ सर्टिफिकेट है। ये वर्ल्ड का इकलौता डिवाइस है जिसके पास मेडिकल ग्रेड का दर्जा है, आईएसओ 13445 ये नंबर है इसका, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इकलौता डिवाइस है जो पानी के ऊपर काम करता है, और मेडिकल लॉबी की तरफ से वर्ल्ड वाइड इसको ये दर्जा प्राप्त हुआ है।
तो अब ये पानी कैसे जो है औषधीय लाभ हमें दे पाता है, इसके बारे में हम बात करें तो सबसे पहले हम ये भी देख लें कि हमारी बॉडी में 70% भाग जो पानी है वो हमारी शरीर का हर हर अंग जो है वो किस रूप में उस पानी का उपयोग करता है। अगर हम बात करें यहाँ पे हमारा ब्रेन जो है 75% ब्रेन पानी का उपयोग करता है, हमारे मसल्स हैं 76% पानी का उपयोग करते हैं ना। इस तरह से अगर हम हार्ट की बात करें तो 79% आपके जो 70% पानी है उसका 79% भाग हार्ट यूज़ करता है, लंग्स का परसेंटेज दिया है। तो टोटल बॉडी आपके ऑर्गन्स जो हैं उस पानी को कैसे कैसे उपयोग करते हैं यहाँ पे इस चार्ट के माध्यम से दर्शाया गया है। तीसरा जो सबसे मुख्य चीज़ है आपका जो बॉडी का सेल होता है, सेल की जो चार्जिंग होती है, जैसे हम जीवित जल की बात कर रहे हैं तो हमारे सेल की उम्र कैसे बढ़ेगी जब वो -50 मिलीवोल्ट से चार्ज होगा। तो चार्जिंग पानी क्या होता है, वो आपको बहता हुआ पानी जो रहता है, नदियों का पानी है या ग्लेशियर का पानी है, बहता है, बहने से उसको चार्ज होता है। उस चार्ज से आपका जब वो आप पीते हैं तो आपका -50 मिलीवोल्ट का पानी जो रहता है वो आपके एक सेल का लाइफ बनता है, उसकी साइकिल पूरा करने में वो मदद करता है। पर जब वो ये धीरे धीरे माइनस कम होता चले जाता है, पानी का चार्जिंग कम होती है और आप 25 मिलीवोल्ट से जब नीचे चले जाते हैं तो आप बीमार पड़ जाते हैं, और ये जब प्लस में आ जाता है तो आपको भयानक बीमारियां जैसे कैंसर या असाध्य रोग की तरफ आप धीरे धीरे पहुंचने लग जाते हैं। तो ये प्लस में चार्ज नहीं होना चाहिए, जबकि आज के हमारा जो जो भी जल हम पी रहे हैं वो प्लस में चार्ज होकर हमारे तक पहुँच रहा है और निर्गुण और डेड वाटर है। अब हम बात करते हैं इसके अलग दूसरी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो आपके जल में क्या क्या होना चाहिए ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट टास्क है, हम लोगों को जानकारी नहीं है इसके बारे में। हमारी जो कैंगन वाटर मशीन है ये आपको देती है पानी, एंटीऑक्सीडेंट युक्त पानी देती है, इसके अलावा आपको अल्कलिनिटी प्रदान करती है। तीसरा जो है हमारा माइक्रो क्रस्टर है, ये एक बहुत अच्छा गुण है इसका। चौथी प्रॉपर्टी है इसका हाइड्रोजन रिच वाटर। तो हम पहली प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, ये है हमारा एंटीऑक्सीडेंट के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको जूसेस पीने के बारे में एडवाइस करते हैं, फल खाने के लिए एडवाइस करते हैं, और जिसमें खासकर सिट्रस फल होते हैं जो खट्टे फल होते हैं क्योंकि विटामिन सी रिच होते हैं, उसको वो प्रोवाइड करते हैं और वो आपको एडवाइस करते हैं कि आप वो लीजिए अपनी दवाइयों के साथ ताकि आपकी बॉडी जल्दी से इम्यून उसका बढ़ पाए और रजिस्ट्रेशन पावर बढ़े और आप बीमारी से जल्दी से रिकवर हो जाएं। तो जल में भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो अब एंटीऑक्सीडेंट की हम बात कर रहे हैं तो उसके पहले हमको ऑक्सीडेशन प्रक्रिया भी समझना होगी। आपने देखा होगा कि जब आप आलू काट के रखते हैं, भट्टा काटते हैं या कोई भी फल काट के रख देते हैं थोड़ी देर के लिए तो वो काला पड़ जाता है या लाल पड़ जाता है, इसका क्या मतलब है, वो ऑक्सीडाइज होता है, हवा में वो ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो ऑक्सीडाइज होता है। और जब उसी तरह उसी फल को या चीज़ों को आप खाते हैं और पानी पीते हैं तो आपके हर प्रक्रिया के साथ में वो ऑक्सीडेशन आपके शरीर के अंदर भी होता रहता है, हवा में, पानी में, भोजन से आपका ऑक्सीडेशन अंदरूनी होता है, जैसे हम एजिंग प्रोसेस बोलते हैं और नॉर्मल रूप में उसको लेते हैं, उसके गंभीर जो दुष्परिणाम हैं उसके बारे में हम सोचते नहीं हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट जब आप लेना शुरू करते हैं ये हमारे पानी के माध्यम से भी हम पहुँचा पाते हैं आपके शरीर के अंदर। तो हमारा पानी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी देखने के लिए अब हमें कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, जैसे हमारा पानी है, अगर आप सेब खाते हैं या संतरे का रस पीते हैं तो यहाँ पे देखें बारीक है, यहाँ पे -100 आपको एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा मिलेगी इसके अंदर, 100 मिलीग्राम। और यहाँ आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं, तो फलों से आप जब लेते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें आपको मिलेंगे, पर जो मात्रा आपको 4 गिलास संतरे का रस पीने से मिलती है वो हमारे 1 गिलास कैंगन वाटर पीने से आपको प्राप्त हो जाती है। तो एंटीऑक्सीडेंट का जो रोल है वो पानी पी के भी आप पूरा कर सकते हैं अपनी दवाइयों के साथ में अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए। तो मैं एक पहला टेस्ट एंटीऑक्सीडेंट का जो यहाँ पे बताऊँगा आपको,